हुआ हुआ है। आज हमने तो सुबह जैकेट्स अपनी सारा राइडिंग गियर अच्छे से क्लीन करा था कि ओ अरे धुआं बिकनी। यहाँ पर दिखा रहा है 49 डिग्री सेल्सियस, 49, अभी 50 दिखा रहा था पर आराम से आया 49 पे। भाई साहब हर्षा सारे नेपाली हमारे पास ख़त्म हो गए हुए हैं, अराउंड 40 रुपीज़ पड़े हैं। कैसे वाइट वाइट पूरा हो भाई, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना, अराउंड 48-47 तो ईजीली बहुत ज़्यादा है। पर हम एंटर हो गए हुए हैं दी कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल काठमांडू। मैप देखो हमें किस गलियों में ले आया है। तो जैसे जैसे सस्पेंशन खुलता जा रहा है ना, हर्षा के बिना धक 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 बढ़ी जा रही है। बिक गई तेरी बाइक भाई, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। आज कितने घंटे की राइड है? 200 ऑफ रोड है ना, पर 8-9 घंटा दिखा रहा है। बेसी शहर 3 घंटे अभी ठीक है, राइट सेफ है, एंजॉय करना एकदम। मिलेंगे फिर, मिलेंगे जल्दी, फोटो छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो हम ले आएंगे ना, हाँ नहीं ले तो आओ, ये कैमरा छोड़ दो बस, 2-3 दिन बाद तो मिलेगा ना। ये कैमरा छोड़ दो, हम ले आएंगे। ठीक है चलो, ओके बाय 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 बाय, ब्रेकफास्ट कर जाना। हाँ मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, ठीक है चलो बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हैं इधर पोखरा में, पोखरा से आज निकल रहे हैं। कल हमें अनफॉर्चुनेटली इधर रुकना पड़ गया था क्योंकि हर्षा की बाइक ख़राब हो गई थी। अगर किसी ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके मेरे लास्ट व्लॉग देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा इस व्लॉग के बाद में, तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि क्या सीन हुआ कल, क्यों हम इधर रुके। तो आज हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं काठमांडू, और देवांजन सुबह ही चला गया हुआ है मनंग के लिए, उनको ट्रैक करना है। अब यहाँ से चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने सुबह जल्दी निकलना था क्योंकि अराउंड 6 o'clock पर ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है 7 o'clock, और ये हमने पैक करवा लिया था इधर। एंड अभी अराउंड 8:45 हो रहे हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए कि हमने था कि एक बार ही देवांजन आराम से पैकिंग वगैरह करके निकल जाए। बहुत आराम आराम से चालू हुए हम तो, बस देखते हैं। सो ऑल डन, बाइक बस वार्म अप कर रहे हैं, देन चलेंगे आगे। और अभी हो रहे हैं 9:11, 34 डिग्री सेल्सियस। अभी मैप हमें दिखा रहा है 7 hours 18 minutes था, अब 19 मिनट हो गया। 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर। बस यहाँ से चलते हैं लेक व्यू रिजॉर्ट से, बहुत अच्छा स्टे था, बहुत अच्छे से इन्होंने हेल्प करा हमारा। चलो सुबह तो पोखरा सिटी क्रॉस करते हुए, एंड साफ साफ बाइक एकदम चमकी हुई, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। कल हमने यहाँ पर लंच करने के लिए रुके थे जब हमें पता चला था, और यहाँ से पोखरा इज समवेयर अराउंड 10-15 किलोमीटर्स। अब यहाँ से हम जा रहे हैं आगे, आगे माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो गए हुए हैं। अभी राउंड अबाउट हमने 50 किलोमीटर समथिंग का डिस्टेंस कवर करा है, और हर जगह यही है, बीच में रोड फिर खड्डे, बीच में रोड फिर खड्डे। कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा चल रहा है पोखरा से काठमांडू जाने के लिए, उस चक्कर में ऐसे चलना पड़ रहा है। 34 डिग्री सेल्सियस है पर फील्स लाइक ज़्यादा है। अभी तक तो इतनी ज़्यादा हम मिट्टी खा चुके हैं ना हर्षा और मैं, और पूरा डस्टी, पूरा बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ हुआ है। आज हमने तो सुबह जैकेट्स अपनी सारा राइडिंग गियर अच्छे से क्लीन करा था कि ओ अरे धुआं, कि थोड़ा साफ लगेगा, सही है, फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे, पर यहीं से ही बुरा हाल हो गया है। सो बस इधर रुके हैं कैफ़े दुराली, यहाँ बैठते हैं, कुछ ठंडा वंडा पीते हैं और फिर चलेंगे आगे। बस छोटा सा एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया था अच्छे से, ठीक है, और यहाँ से चल रहे हैं फिर आगे।
आगे भी देखो गर्मी बहुत है और 5 आवर्स का रास्ता है और बीच में ट्रैफिक भी दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे रहता है आगे। हाँ हाँ हमने किया था, हम तो आराम से बैठ के किया हमने उधर। मुझे तो मैंने उधर से लेने गया। हाँ ठीक है दादा, ओके दादा ओके। दिवानंद दादा का फ़ोन था, वो बेसी शहर पहुंच गया जहाँ से उनको परमिट निकलवाना था आगे मनंग जाने के लिए। बाइक्स हमने कल धुलवाई थी और देख सकते हो क्या हाल हो गया। मेरे को लग रहा है काठमांडू में जाके फिर से वॉश करवानी पड़ेगी। आगे देख ही नहीं रहा कहाँ जाना है, खड्डा एंड ऑल कुछ भी नहीं। फॉग लैंप ऑन कर दो, फॉग लैंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फायदा नहीं, मेरे वैसे ही वो इंडिकेटर्स चल रहे हैं रनिंग डे टाइम। ऐसा लग रहा है कोई गेम खेल रहा हूँ, डस्ट वाली डकार रैली। हाँ खाली है। मैं क्या कह रहा था, 4 बजे का दिखा रहा है ना टाइम पहुँचने का, खींचते रहते हैं है ना। 3:30 तक भी अगर टाइम आ जाएगा तो लंच वहीं जाके कर लेंगे। हाँ राइट हो, राइट हो, तेरे शॉकर ऑयल सील देखूं, राइट जा। ठीक है ना? हाँ वो पानी एज इट इज ही आया होगा। नहीं अरे आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ट्रक के आगे। सो बस थोड़ी और दूर से अगर लेफ्ट लेंगे तो जहाँ दिवानंद दादा गए मनंग, वहाँ के लिए रास्ता स्टार्ट हो जाता है मनंग के लिए। और वो अच्छी खासी कोल्ड प्लेस में जा रही है, अगर हम भी जाते तो हमें अराउंड -1 -2 मिलता उतना टेम्परेचर, पर अभी इधर है 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से लेफ्ट जाके है बेसी शहर और मनंग का रास्ता, हम जा रहे हैं सीधा काठमांडू। फाइनली थोड़ा सा हिली एरिया स्टार्ट हुआ है, अभी इधर 41 डिग्री सेल्सियस है, पर रोड थोड़ा सही है जिसमें हम स्ट्रेच कर सकते हैं अच्छे से। अब देखते हैं कितनी देर तक ये चलती है रोड, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ उसी टाइम ऑफ रोड आ जाता है। मेरे ख्याल से पहले पुराना होता होगा या वो नया बन रहा है, और ये हम अभी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं दूसरी साइड जाने के लिए, और यहाँ से मैं जाना है लेफ्ट। एकदम से देखना ही भूल गया था मैं कि कहाँ जाना है लेफ्ट या राइट। यहाँ से इट्स 111। नीचे बीच है इधर गोरखा बीच, एंड यहाँ से आपका एंड यहाँ से काठमांडू है 99 किलोमीटर्स। मेरे को रोड के ऑपोजिट साइड दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं, दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो देखो नीचे नहीं, यहाँ पर दिखा रहा है 49 डिग्री सेल्सियस। 49 अभी 50 दिखा रहा था, अब आराम से आया 49 पे। भाई साहब हर्षा, अरे 49 दिखा रहा है मेरी बाइक में। सो बस अभी सारे नेपाली हमारे पास ख़त्म हो गए हुए हैं, अराउंड 40 रुपीज़ पड़े हैं। सो सिर्फ अराउंड 40 रुपीज़ पड़े हैं, अभी हम रुके थे पानी एंड ऑल का सब कुछ ले रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे वाइट वाइट पूरा हुआ है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना, अराउंड 48-47 तो ईजीली बहुत ज़्यादा है। अभी हम बीच में रुके थे 1 घंटा, अभी यहाँ 1 घंटे से रुके हुए थे कि 2 से 3 बजे के बीच में हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्या होगा, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो बस चलते हैं आगे इतने से पैसों के साथ। तो हमने बस यहाँ पर ब्रेक लिया हुआ था 1 आवर का, एंड हर्षा ने फ्यूल भी फिल करा लिया है,
हम लंच नहीं कर रहे, हमने सोचा ढाई घंटे हैं और चला लेते हैं, खींच लेते हैं, अभी भूख तो लगी नहीं है। डायरेक्ट रुकेंगे काठमांडू होटल में जाके, वहाँ पर आराम से जाके स्विमिंग पूल में मारेंगे जंप, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने अपना हाइड्रेशन बैग फिल करना था और हर्षा ने फ्यूल डलवाना था। मेरा तो अभी रेंज है अराउंड, मेरा 275 किलोमीटर की रेंज है काठमांडू यहाँ से, 61 या 65 किलोमीटर है बस, तो वहाँ पर आराम से फिल करा लेंगे और चलते हैं आगे। अब ठंडा लग रहा है, सीट मैंने क्या करा ना, सीट पे पानी डाल लिया। तो अब देख सकते हो नीचे कितनी सही फार्मिंग करी हुई है, यहाँ पर फार्मिंग का बहुत है, मोस्टली राइस ही लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ के लोग राइस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कल रात को मिली हमें रोटी खाने को हर्षा और मेरे को, बहुत मुश्किल से, मज़ा आ गया। LX V8 क्या पावरफुल होगी ये, कितनी पुरानी गाड़ी है। और ये हम उसमें सैन एंड्रियाज में वाइस सिटी में यही चलाते हैं छीन चुन के। यहाँ फर्स्ट कोई टनल मेरे को दिखी है जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और अभी इतने दिनों से तो हमें एक भी टनल नहीं दिखी थी, यहाँ पर काम तो चल रहा है अच्छे से। सो यहाँ से 43 मिनट्स है हमारा होटल, और आगे आपको दिख रहा होगा काठमांडू, अभी ट्रीज के पीछे पूरी काठमांडू सिटी, और हम एंटर हो गए हुए हैं द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल काठमांडू। बस होटल तक का हमारा टाइम है 43 मिनट्स। कौन है तो वापस आया है, ये तो आगे तो घूम के आया है। आपको मैंने मैसेज किया था ना, हाँ। अच्छा अच्छा था, हाँ होटल जा रहे हैं ना, तो मैंने सामान ले लिया है। ठीक है, हाँ वो उस बाइक का है, तो अभी बस हम जाते हैं होटल, फ्रेश होते हैं, देन कॉल करता हूँ मैं आपको। मैं भी घर मेरा इधर है। ठीक है, तो घर जाके आ। ठीक है। ओके। तो यही बंदे हैं वो जिनसे हमारी बात हुई हुई थी इधर, एंड ये हमें लेके जाएंगे। तो वो कॉल थी इन्होंने ढूंढ लिए, एंड बस आज या देखते हैं कल इसको डलवाएंगे अच्छे से, बाइक को रेडी कराएंगे एक टायर पे लेके जाने के लिए दिल्ली। मैप देखो हमें किस गलियों में ले आया है। हाँ ये पशु बस, फाइनली होटल पहुंच चुके हैं हम। सो गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे। कल हम आए थे होटल अराउंड 6 o'clock के आसपास, हमने आके सारा बैग्स एंड ऑल अपने रूम में रखा, हम फ्रेश हुए, नहाया, शॉवर लिया, और उसके बाद खाना खाया, लंच भी नहीं करा था। देन उसके बाद अराउंड 7:30 तक हम दोनों सो चुके थे, और हमने सुबह, मैंने सुबह उठ के देखा फ़ोन में कि क्या टाइम हुआ, तो सुबह के 5 बज रहे थे। बस अभी चल रहे हैं, अभी हमें नीचे, वैसे कल हमें करवाना था सस्पेंशन का काम कि हम आएंगे सस्पेंशन का काम करा लेंगे, आज हम यहाँ से निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि हम सो गए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। आज हम अभी जा रहे हैं नीचे होटल में, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, और अभी हो रहे हैं 8 around 9 o'clock हो रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर करेंसी एक्सचेंज करानी है क्योंकि हमारे पास जितने भी पैसे थे नेपाली में सब खत्म हो चुके हैं, फिर हम जाएंगे अपना सस्पेंशन का काम कराने, हर्षा की बाइक के सस्पेंशन का काम कराने। ये हमें फोक ऑयल सील मिल गई है, फोक ऑयल सील किधर है ये रही, तो जो जिस बंदे ने अरेंज करा के दी वो कल हमारे होटल भी आया, पर हम तब तक सो चुके हुए थे, फिर हमें ये दे के चला गया था, एंड ये हम अभी जाके चेंज कराएंगे, चलते हैं। बस आपको आज की वीडियो एंजॉय कराते हैं, ये वीडियो कहाँ तक स्ट्रेच करूँगा मेरे को आइडिया नहीं, तो देखते हैं। अभी आपको अपना रूम दिखाते हैं, नहीं तो सारा खिलारा डला हुआ है, ये हाथ रखा हुआ है, ये भी, तो बस ये रहा हमारा छोटा सा रूम, बहुत सही है, एंड बस यहाँ से चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि बाइक्स कहाँ खड़ी हैं, अच्छे से हम बाइक्स देख सकते हैं अपनी। तो वो खड़ी हमारी बाइक्स, और बस यहाँ से अभी हम चल रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करते हैं,
करेंसी एक्सचेंज कराते हैं और फिर चलेंगे बाइक का काम कराने, फिर थोड़ा घूमेंगे काठमांडू अच्छे से। कल की जो राइड थी ना वो बहुत ही ज्यादा डस्टी थी, तो हेलमेट, सारे राइडिंग गियर्स, बाइक बहुत ही ज्यादा डस्टी हो गए हैं। और यहाँ पर हमें अपने राइडिंग गियर्स भी लॉन्ड्री कराने थे, पर हमें कल निकल जाएंगे। तो इसलिए हम देखने की जहाँ हम नेक्स्ट जाएंगे वहाँ जाके करा ले, अगर वहाँ होपफुली हो पाए, वरना दिल्ली जाके करवा पाएंगे। सो ये छोले और ये भटूरे, यहाँ के भटूरे हैं ट्राइंगल में। मैं बोल रहा था यहाँ के भटूरे देख हैं ट्राइंगल में। हाँ मैं वही, और बट बहुत मोटे नहीं है या ऐसे लगते हैं? हाँ नहीं, मोटे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई इसको खा के देखते हैं, ट्राइंगल पिज़्ज़ा टाइप भटूरे। तो करेंसी एक्सचेंज डन हो चुके। हाँ हो चुके, बस थोड़ा ऐसा लग रहा है हाथ में पैसा आया। कल तो हम बहुत गरीब फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो बस अभी हम एक दिन का हमने स्टे इधर एक्सटेंड भी करा लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक दिन का ही कराया था। अब यहाँ से हम जाएंगे, जो हमारी इधर हेल्प कर रहे हैं, जो जिन्होंने ऑयल सील ला के दी, हम उनके साथ जा रहे हैं जहाँ पर हमने ऑयल सील चेंज करवानी है वहाँ पर चलते हैं। बस अभी वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, 10:30 हो चुके हैं यहाँ के, और अराउंड इंडिया और यहाँ 15 मिनट्स का गैप है, ये 15 मिनट्स आगे है, तो बस चलते हैं अभी ऑयल सील चेंज कराते हैं। ये रहा हमारा होटल, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं आगे। हमें जो लोकेशन बताई है वो है न्यू हाईटेक ऑटो सेंटर, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अब बाइक देखते हैं अगर वहाँ वॉश हो पाई तो, बहुत भारी है। चलो मैप लगा लिया हुआ है मैंने, फ़ोन को चार्जिंग पे लगा लेते हैं, कल वायर बाहर ही रह गई, उसको चार्ज ही नहीं कर पाया। चार्जिंग पे लग गया है, कनेक्ट कर ले। हाँ ठीक है, चलो मैंने मैप लगा लिया हुआ है। सो अभी दिवानंद दादा का हमें रिचार्ज भी कराना है, क्योंकि उनका कल टॉक टाइम ख़त्म हो गया, तो वो हमें फ़ोन करके नहीं बता सकते। तो अभी जाएंगे, दादा का टॉक टाइम हम रिचार्ज कराएंगे, ताकि वो कॉल करके बता पाएँ कहाँ पर हैं। सुबह से हम उनको कॉल ट्राई तो कर रहे हैं, कॉल मिल नहीं रहा उनका, क्योंकि वो जिस लोकेशन में है वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। सो ये अभी हम काठमांडू की मार्केट में से क्रॉस हो रहे हैं, और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर हर जगह लिखा होता है KTM सिटी। हमें लगा कि यहाँ पर अर्षा और मेरे को लगा कि यहाँ पर KTM ज़्यादा होंगी, इसलिए KTM सिटी लिखा हुआ है, पर बाद में पता चला वो शॉर्ट फॉर्म है काठमांडू की, KTM काठमांडू, एम मीन्स मांडू, काठमांडू KTM, तो हमें बाद में पता चला। सो यहाँ पर नॉर्मली जितनी भी बाइक स्कूटी या सब कार्स होती है उनकी नंबर प्लेट रेड होती है, और उसके ऊपर वाइट से लिखा होता है उनका नंबर। अब जो न्यू इनकी नंबर प्लेट्स आ रही हैं वो है कि वाइट है नंबर प्लेट एंड ब्लैक ऊपर लिखा हुआ है, जैसे हमारे इंडिया में लिखते हैं, वो न्यू है। बाकी जितनी भी मोस्टली यहाँ पर दिखेंगी वो होगा कि वाइट नंबर प्लेट की रेड नंबर प्लेट और उसके ऊपर वाइट से लिखा हुआ। सो वो बता रहे हैं कि थोड़ा राइट होके रहो, क्योंकि लेफ्ट लेन यहाँ पर फ्री लेन है, लेफ्ट टर्न लेने के लिए पूरी लेफ्ट लेन पूरी फ्री है लेफ्ट जाने वालों के लिए। तो मुझे ये तो यहाँ का करोल बाग लग रहा है, काठमांडू का करोल बाग। तो फाइनली बाइक पे काम स्टार्ट हो गया हुआ है, लेफ्ट वाला फोक सील चेंज कर रहे हैं, बाकी जब दोनों जाके बिल्ड करेंगे वो दिल्ली या फिर मुंबई। बाइक का काम स्टार्ट हो गया हुआ है, और ये हैं राम भैया जिन्होंने पूरा हेल्प कर रहे हैं, जिन्होंने ऑयल सील ढूंढ के दी, यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि यहाँ पर इजीली हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, यू वेलकम भैया, हमारे लिए कर रहे हो आप, तो हमारा हम आपका बहुत फैन है ना आपका राइडिंग का, तो बनता ही है। तो ये भी बाइक एंड ऑल रेस करते हैं, जो जेके टायर्स के दल जो जिक्सा कप होता है, तो आपने उसमें किया हुआ है ना, तो इन्होंने उसमें रेस करा हुआ है। एंड बस अभी बाइक का आगे काम कराते हैं और आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है। Thank you.
सो ये लगा रहे हैं तो फ्रंट व्हील थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा। तो क्या कभी तूने सोचा था कि मेरे साथ राइड करते हुए तू बाइक खुलवा लेगा नेपाल में? तो बस अभी सस्पेंशन तो बाइक से बाहर आ गया हुआ है और इसको पहले क्लीन करेंगे देन इसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे। सो सस्पेंशन तो पूरा कंप्लीटली ओपन अप हो गया है, अब क्लीन करेंगे और सील ड्राइवर चेक कर रहे हैं। एक सील ड्राइवर तो है पर वो चेक कर रहे हैं कि वो इसमें बैठेगा कि नहीं। तो जैसे जैसे सस्पेंशन खुलता जा रहा है ना, हर्षा की भी ना धक 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 बढ़ी जा रही है। मत दिखाओ, उसको भी हो रहा है। हाँ सील है करो। इसका थोड़ा सा हाइट कम है, थोड़ा सा डाउन है, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका लॉक लॉक देना, लॉक तो बाद में डालेंगे, ठीक है? बटन यार नहीं, ठीक है, कुछ बोल दीजिए। नहीं, नई चीज सीखने को मिली, अगर इंडिया में ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है तो सब चेंज कर देते हैं। अभी थोड़ा सा नेपाली जुगाड़ करके वही वाली फोक सील डाल दी, क्योंकि जो ये CRF की हमने देखी थी ये छोटी है, साइज़ ऑनलाइन सही सेम बता रहा था पर ये छोटी है। सो फाइनली वर्क डन, बस फोक प्रोटेक्टर लग रहा है और इसकी थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। बिक गई तेरी बाइक, बाय बाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अफ्रीका ट्विन को कहीं पर भी लेके जाओ तो हर जगह ना भीड़ लग जाती है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपना होंडा का थोड़ा कल्चर ज़्यादा है, जैसे CRF वगैरह क्रॉस फायर यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए आ गई बाइक। तो बस बाइक टेस्ट करने गए हुए थे, ये बाइक आ गई है, तो मैं होंडा का बता रहा था। तो यहाँ पर कैसे है ना, जैसे कि बड़ी है सबसे CRF 1100, तो यहाँ पर होती हैं 450s 250s, तो इसलिए सब लोग हर जगह इसको देखने लग जाते हैं। वर्क डन, सो यहाँ से हर्षा की बाइक का काम हो गया हुआ है एंड चल रहे हैं अब आगे। ओके थैंक यू भैया, मिलते हैं, थैंक यू सो मच। चलो तो यहाँ पर अभी एक प्रॉपर म्यूजियम टाइप शोरूम है बाइक का, SJ Moto, तो वहाँ जा रहे हैं हम उसको देखने। और वीडियो का मैं सोच रहा हूँ यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।